वेलकम बैक गाइस, अजहर के साथ दोबारा से आप लोगों के सामने। और अब हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया और बहुत सारी बातें जो है ना वो मेरे पास भी रह गई हैं इनसे करने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी करूँगी कि कॉन्सर्ट जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बीच में ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी बात की थी, लास्ट आपका एक कॉन्सर्ट हुआ था फास्ट में, इट वॉज अ वेरी गुड कॉन्सर्ट। और इसके अलावा भी जो आपके कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं उसमें मोस्टली जो गाने आप परफॉर्म कर रहे होते हैं वो आपके हिप हॉप टाइप होते हैं, काफ़ी जॉनर आपका जो है ना वो काफ़ी भंगड़ा स्टाइल है, तो वाई डिड यू चूज दिस स्पेसिफिक जॉनरा? क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें बहुत कम लोग आते हैं या बहुत कम लोग ट्राई करते हैं। बिल्कुल ऐसा है, तो क्योंकि क्या रीजन है? इसमें बहुत मुश्किल है मेरा स्टैंड करना क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत बड़े नाम एग्जैक्टली या तो हैं तो बहुत बड़े नाम हैं और या तो है ही नहीं, है ही नहीं। इससे मैंने जस्ट इतना था माइंड में कि कुछ लोग हमारे यहाँ पर कहते थे जी कि हिप हॉप स्टाइल यहाँ पर वो नहीं है जो स्टाइल इंग्लैंड से आता है, यूके का जो आ रहा है आजकल, जैसे कि हालांकि पाकिस्तान के हमारे हैं इमरान खान, बहुत नाम कमाया बहुत कम वक्त में, तो उसको माइंड में रखा हुआ था कि ऐसा नहीं है, कि ऐसा मत सोचें आप कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बहुत कुछ है। बट बात वो ये थी कि प्रोडक्शन आपको उस लेवल की करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पर प्रोडक्शन है उस लेवल की बट उतने एक्सपेंस भी तो आप अफोर्ड करें तो बनता काम यहाँ पर। वो माइंड में रखा हुआ था, एक प्रैक्टिकल किया समझ लें आप, तो उसका फीडबैक अभी तक तो अच्छा आ रहा है, देखते हैं आगे क्या रिस्पांस मिलता है इसका। और मैं विश के इंशाल्लाह आगे भी अच्छा आता रहे और आगे भी आप इसी तरह परफॉर्म करते रहे। आगे कोई फ्यूचर के आपके कोई प्लान्स हैं कॉन्सर्ट से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड, जो मतलब कुछ और कोई गानों से रिलेटेड कुछ ऐसी बात? जी बिल्कुल, नेक्स्ट अभी मेरा जो म्यूजिक का काम है वो अली मुस्तफ़ा भी कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग उनके साथ है हमारी। और उसके अलावा वीडियो तो आपको मैंने बताया कि वो हम कर रहे हैं, स्टोरी बोर्ड बन चुका है उसकी, बस शूट पर हमने काम करना बाकी। प्लस प्रोडक्शन के हवाले से जौन सा है उसका सिटकॉम स्टार्ट कर रहे हैं मई में। हाँ एग्जैक्टली, इंशाल्लाह वो भी तो अच्छा। ये बताइए कि हर जगह आपने परफॉर्म, काफी जगह परफॉर्म भी किया है, कोई ऐसी जगह जो कि सबसे ज्यादा मजे का वेन्यू रहा हो, जो सबसे मजा आया हो? वो एटीवी का ही एक शो था ढोल के नाम पर, आज भी वो ऑन एयर करते हैं कभी कभी, बसंत इवेंट था। उस वक्त हम तीनों मेंबर्स थे पंजाबी मुंडे बैंड के नाम पर थे, और आई थिंक के जो कजाफी स्टेडियम ओपन एयर है उसमें इतनी सी भी स्पेस नहीं थी कि कोई खड़ा भी हो सके वहां पर, इतना फुल था वो। और वहां पर जो हम लोगों को फीडबैक मिला था कि डेफिनेटली उसका वो इवेंट भी बहुत आला था, हमारे अपने प्रोग्राम में कई दफा वो गाना चल चुका हुआ है, मतलब एग्जैक्टली उसमें मतलब उसके डिफरेंट गाने चल चुके हैं और वो बहुत अच्छा इवेंट रहा था। मतलब इसी बात पे हमारे कॉलर ने हमें कॉल किया तो हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं आफताब बात कर रहा हूँ जी, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आफताब प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा? जी जी। हमारे साथ अजहर बैठे हुए हैं, कोई अजहर बट उर्फ गुगु। ओहो, उर्फ गुगु, ये हमें नहीं पता था, इसके पीछे क्या स्टोरी है? ये गुगु जो है ये घर का निकनेम है, पेट नेम है, या ये क्या सीन है? ये मैंने भी आर्टिस्ट शो से सुना क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक फनकार गाने से ताल्लुक है मेरा, तो मैं इनको बहुत पहले मुबारक देना चाहूंगा इनकी शादी। बहुत शुक्रिया। और वो भी इनकी वाइफ बहुत नाइस है, ये बहुत नाइस है। थैंक यू सर। मैं आपको एक फरमाइश करना चाहूंगा कि हमारे खानदान का एक बहुत बड़ा नाम है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो मैं उन्हीं का आपको एक आइटम मैं आपको कहूंगा, सानू एक पल चैन ना आवे, मैं सुना दें तो प्लीज। बिल्कुल जरूर, मैं कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि वो इतना बड़ा नाम है कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बट कोशिश हमारी पूरी होगी कि हम सुनाएं आपको। थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। और हमें एक और चीज रिवील हो गई जाते जाते, पता चल गई ये गुगू बचपन का नाम है, ये कॉलेज का नाम है, ये दोस्तों का नाम है, नहीं ये मुझे छेड़खानी में नाम पड़ जाता होता है। नहीं नहीं, ये मेरा निकनेम है और मुझे प्यार से घर में सब इस नाम से बुलाते थे, बल्कि मेरे भांजे भांजी सभी इस नाम से बुलाते हैं। और अभी माशाल्लाह उन्होंने ये भी बात ओपन कर दी है, मैं अभी नहीं करना चाह रहा था, शादी की मुबारकबाद दी, ये मेरी मिसेस भी मुझे प्यार से इसी नाम से बुलाती हैं। तो कई दफा इंसान अनॉय हो जाते हैं ना, मेरे भी एक दो पेट नेम्स हैं जो कि मैं अनॉय हो जाती हूँ, मैं कहती चलो मामा पापा तक तो ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चे भी जब उस नाम से बुला जाते हैं तो बंदा कहता है यार कुछ तो इज्जत के साथ नाम ले लो। नहीं नहीं, एक्चुअली ये फील्ड में भी मुझे इस नाम से जानते हैं। अच्छा, ज्यादातर इसी नाम से, क्योंकि जब मैं फर्स्ट अपना एल्बम किया था तो मुझे निक नेम से ही जानते थे सब, एज अ सिंगर।
बट एज ए आर्टिस्ट प्लस मॉडल एंड जब मैंने प्रोडक्शन की उसमें मेरा नाम अजहर भट्ट ही चलता है। वो तो डेफिनेटली। अच्छा गानों की इतनी बातें हो गई, उन्होंने भी रिक्वेस्ट कर ली है बेशक दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, हमें कोई गाना आप सुना दें अपनी एल्बम का ही बेशक सुना दें। जी बिल्कुल, एल्बम का जो हम अब नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं वो सुनना चाहेंगी मैडम या कॉलेज, आप बताएं। मैडम सुना दें, दोनों ही हिट हैं। लिटरली मेरा ज्यादा इंटरेस्ट उसमें क्या उसमें मैडम है। ओके चंद चानने फिके पैंदी चंद चानने चंद चानने फिके पैंदी वेख के तेरी सूरत सोनी ओए होए मैडम मनमोहनी आए हाय मैडम मनमोहनी ओए होए मैडम मनमोहनी आए हाय मैडम मनमोहनी पीला दुपट्टा काली कुर्ती अड्डी वाली जुत्ती बिजली गिराए होश उड़ाए नजर जिधर को मुड़ती पीला दुपट्टा काली कुर्ती अड्डी वाली जुत्ती बिजली गिराए होश उड़ाए नजर जिधर को मुड़ती तेरी खातिर पंज सत वारी तेरी खातिर पंज सत वारी मैं खादी है पुलिस तोनी ओए होए मैडम मनमोहनी आए हाय मैडम मनमोहनी। अब ये मुझे लगता है वाकई किसी किसी के ऊपर ये गाना बनाया गया, ये वाकई किसी के ऊपर बनाया गया, अड्डी वाली जूती कुर्ती और टोनी। इसकी तफसील जो है ना, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं इसकी जो बेसिक जो है वो मुझे नहीं मालूम, ये आपको वकास ही बता सकते हैं जिन्होंने इसकी कंपोजिशन लिखी थी। वकास साहब कहाँ हैं, उनको भी लेके आना था, उनसे पूछती मैं स्टोरी क्या है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उन्हें भेजूंगा जरूर प्रोग्राम में आपके। एनीवेज ऐसा इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू, काफी बहुत सारे गेस्ट आते हैं जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ बात करने का बंदा कहते हैं मतलब लाइक क्या हो क्या ना हो, और लेकिन आपके साथ वाकई बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ओपनली कई चीज़ों पर डिस्कशन हुई जैसे पायरेसी और ये कैसे हालात जा रहे हैं ये वो सब के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जाते जाते कुछ कहना चाहें न्यू कमर्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा अपने उन सब भाइयों को कि आएँ इस फील्ड में, ज़रूर आएँ, बहुत अच्छी फील्ड है, अपना शौक पूरा करना तो जरूर आए, अगर इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लेकर आओगे तो अभी इसके बारे में मत सोचिएगा। अच्छा, क्योंकि बहुत स्लम्प है अभी फील्ड में। अच्छा अच्छा, मेरी याददाश्त जो है ना बहुत ज्यादा खराब है, अभी हमारे कॉलर ने एक रिक्वेस्ट की थी और वो रिक्वेस्ट जो है वो हमें फुलफिल करना हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशली रिस्पॉन्सिबल है ना हम लोग, तो हमें जल्दी से वो गाना नुसरत फतेह अली खान साहब के लिए का जो उसका हमें सानू इक पल चैन बहुत मुश्किल सा है लेकिन फिर भी मैं ट्राई जरूर करूंगा। सिर्फ दो बोल। हो सानू इक पल चैन ना आवे, सानू इक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। हो सानू इक पल चैन ना आवे, सानू इक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ऑसम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और जो हमारे कॉलर थे उनकी रिक्वेस्ट डेफिनेटली फुलफिल हो गए तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे, और आप लोगों को हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है। हम लोगों को ईमेल करते रहें call8tune@dashplus.tv पर, हम लोगों को फेसबुक पर ज्वाइन करें, हमारा ग्रुप पेज है call8tune, इसके अलावा हम लोगों को कॉल्स तो आप लोग करते ही रहते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं 2886 पर, जब हम लोग यहाँ पर होते हैं एक घंटे के लिए उस वक्त आप लोग हम लोगों को मैसेज भी कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम के बारे में हम लोगों को फीडबैक ज़रूर देते रहा करें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो गाने आप लोग सुनना चाहते हैं उन गानों के बारे में भी हम लोगों को ईमेल्स वगैरह बताते रहा करें, हम डेफिनेटली अपने प्लेलिस्ट में उसको ज़रूर इंक्लूड करेंगे, ज़रूर ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, आपका बहुत शुक्रिया आने का, और अभी जाते जाते हमें एक कॉलर ने कहा था परवान खान का जो सॉन्ग है ना मुझे प्यार क्यों हुआ वो सुनवा दें, तो उनकी रिक्वेस्ट पर आप लोगों को हम ये गाना सुनाते हैं, इन्जॉय कीजिए इस सॉन्ग को, आपसे वेंसडे को फिर से मुलाकात होगी, अल्लाह मुझे प्यार क्यों हुआ।
शिप।